आप सभी को केवीएस कोचिंग पे स्वागत है और मैं बीरबल कुमार आप सभी को आज मैं गणित पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लास 10 की गणित में पढ़ाता हूँ, जो भारती भवन का किताब को पढ़ाता हूँ। आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 2 का ए, दो चढ़ वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 के ए में 35 नंबर तक पढ़े थे और आज हम लोग 36 से आगे पढ़ेंगे। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग पूरी क्लास यानी इस प्रश्नावली के सभी भी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर नए विजिट कर रहे हैं इस क्लास में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए कोचिंग के चैनल को। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक समीकरण है 3 × 2x + y = 7xy, इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसको लिखेंगे 3 जो यहाँ इंटू हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि बराबर के इस साइड भेज देंगे या फिर इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें गुणा कर लेते हैं तो 3 × 6x + 3y में 7xy हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, फिर इसको लाएंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 3 × 3 = 9y = 11xy। तो यहाँ लिख देंगे 11xy, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है 6x + 3y = 7xy और दूसरा है 3x + 9y = 11xy। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि y के मान को बराबर करेंगे। तो आप देखिए तो अगर यहाँ हम लोग 3/9 लें यहाँ पर तो 3 × 9 3 बार में कट जाएगा, तो नीचे 3 और ऊपर 1 बच रहा है ना, यानी ऊपर वाला यानी कि यहाँ 1 बच रहा है तो यहाँ पर 1 से गुना कर लीजिए और ये 3 से यहाँ गुना कर लीजिए। तो 3 × 6 से करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा 18x और प्लस 3 × 9y = 7 × 21xy। ठीक है, 1 से जब करेंगे तो 1 से करेंगे तो 3x होगा, 1 से करेंगे तो ये भी 9y हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 11xy। ठीक है, अब चिन्ह चेंज कर लेंगे तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा और 18 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 15x और यहाँ 21 में से 11 हटा लेंगे तो 10xy, यही ना बचेगा। इस या अगर हम लोग 10x को बराबर के इस साइड यानी 15 की तरफ लाए तो ये बट्टा में हो जाएगा तो एक तरफ y बच जाएगा यानी y बराबर हो जाएगा 15x/10x। x खत्म और ये 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, तो y बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, आप y के मान यहाँ प्राप्त कर लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, y बराबर 3/2, 3/2 है, रखने पर चले रखते हैं समीकरण 1 में यही ना है। तो एक से यहाँ 6x है प्लस 3 आगुने y की जगह पे क्या रख देंगे 3/2 = 7x आगुने y, y की जगह पे क्या रख देंगे 3/2। देखिए जहाँ भी y था हमने y का मान रख दिया। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो या 6x बराबर 3 × 3 क्या हो जाएगा 9/2 और यहाँ भी निकटने वाले थे 7 × 21 x/2 या 6x के तरफ 21 x/2 को लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 21 x/2 क्योंकि यहाँ प्लस है और ये प्लस 9/2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -9/2 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ और यहाँ के लिए दोनों के लिए लघुत्तम 2 हो जाएगा तो ये 6 × 12x -21x = -9/2। ठीक है, हम ये 2 से 2 को काट देंगे। अब देखिए 21 में से 12 हटाएंगे तो बचेगा -9x और इधर है -9,
तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस नौ बटे माइनस नौ, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, तो ये कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। तो एक्स बराबर क्या हो गया, वन। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए कि हम लोग वाई और एक्स का मान प्राप्त कर लिए, और इस तरह से एक्स और वाई का मान ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। जैसे कि आप लोग कमेंट है कि वाई का मान तीन बट्टे दो नहीं, मान दिया है 1.5, तो बिल्कुल होगा। आप तीन में जब दो से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ एक बचेगा, दशमलव देंगे जीरो आएगा, और पाँच गुना दस, यानी कि तीन में दो से भाग लगाएंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 37 का एक नंबर कर है, पी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और पी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, या पी क्यू शून्य से भी न चढ़े, यानी कि शून्य नहीं आएगा, बाकी कोई भी संख्या आ सकता है, ठीक है। और यहाँ हमें एक्स और वाई का मान प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, हल करने जाएंगे, तो इंटू एक्स प्लस वाई ए प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसे समीकरण एक मान लेते हैं। और दूसरा पी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, समीकरण दो। माना कि एक्स प्लस वाई बराबर ए, इसे समीकरण तीन मान लेंगे, और x माइनस वाई बराबर बी, इसे समीकरण चार मान लेंगे, और लिखेंगे समीकरण एक और दो में समीकरण तीन और चार का मान रखने पर, ठीक है। तो हम लोग एक में p इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह पे ये रख देंगे, तो p इंटू ए यानी पी ए प्लस क्यू बी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद समीकरण दो में p इंटू ए, क्योंकि एक्स प्लस वाई की जगह पे ये रख देंगे, माइनस क्यू इंटू बी बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। चेंज करने की तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसे समीकरण पाँच और छ भी कहेंगे, ठीक है, पाँच और छ। और यहाँ पे देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, और इस तरह से पी ए कितने पी ए, टू पी ए हो जाएगा, और यहाँ पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर, और यहाँ माइनस में प्लस में खत्म हो जाएगा, ये देखिए प्लस टू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर दो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम लोग अगर यहाँ से अगर हम लोग ए को इधर रखें, ठीक, तो यहाँ दोनों में से दो कॉमन लेकर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो बट्टा में टू पी हो जाएगा, दो से दो खत्म, ये यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए a बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण पांच में a का मान रखने पर हो गया ना जी, समीकरण एक में भले पांच में a की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे पी, यानी कि इसलिए हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे पी, ये और इनटू में एक बार इसे मिटा कर लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है कि पी इंटू ए, तो पहले पी लिख देते हैं, पी गुणे ए की जगह पर रख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे पी, ठीक है, और प्लस यहाँ है क्यू बी, तो क्यू बी लिख देते हैं, और इजकल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस
क्यू स्क्वायर ये वाला मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये पी से पी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू बी को बराबर की सेट रखते हैं, ठीक है, बराबर की सेट, और इन दोनों को बराबर क्यू से भेजेंगे। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और पी इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर, और प्लस क्यू इधर आएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये इससे खत्म या इससे खत्म, तो यहाँ बी क्यू बी बराबर बच जाएगा माइनस पी क्यू, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस पी क्यू बटे क्यू, तो क्यू से क्यू खत्म, तो बी बराबर कितना हो गया माइनस पी, ये आएगा बी बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ए और बी का मान प्राप्त कर लिया, और ए और बी का मान जब हम समीकरण तीन और चार में रखेंगे तो हमें एक्स और वाई का मान आएगा, ठीक है। तो इसे मिटाकर हम मान रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए का मान हमें प्राप्त हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, और बी का मान हुआ माइनस पी, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण में तीन और चार में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक चेन खींच लेते हैं, ये समीकरण चौथा, समीकरण तीन और चार में ए और बी का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक जगह पे क्या रख देंगे हम, ये रख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, और बी के जगह पे क्या रख देंगे एक्स माइनस वाई बराबर बी के जगह पे रख देंगे माइनस पी, ठीक है। ये समीकरण सात और ये समीकरण आठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जगह कम है इसलिए यहीं से काटते हैं, तो ये प्लस वाई माइनस वाई खत्म, एक्स एक्स कितने एक्स 2x, और यहाँ लघुत्तम हो जाएगा p। तो ध्यान दीजिए ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख लेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और p में p से गुना होगा तो माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये प्लस पी स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्यू स्क्वायर बटे ये p तो है ही है, और दू यहाँ गुना हो रहा है इधर आकर भाग कर लेगा, तो यानी कि हम लोग x का मान यहाँ प्राप्त कर लिए। अब लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में एक्स बराबर एक में नहीं तीन में, समीकरण तीन में एक्स बराबर क्यू स्क्वायर बटे टू पी रखने पर, चले रखते हैं। तो समीकरण तीन है हाँ यहाँ पे, ठीक है, तीन में नहीं रखेंगे क्योंकि तीन को हम लोग कन्वर्ट किए थे सात में ना, तो सात में रखेंगे, यहाँ कर देते हैं समीकरण सात, ठीक है। तो x की जगह पे हम लोग रख देंगे क्यू स्क्वायर बटे टू पी, और प्लस y इजकल टू पी इजकल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, या y बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, और इसको बराबर की साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में क्यू स्क्वायर बटे टू पी, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा लघुत्तम कितना, टू पी लघुत्तम हो जाएगा, तो p में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 से गुना होगा, टू पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टू पी स्क्वायर, और टू क्यू स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर निकलेगा तो एक क्यू स्क्वायर बचेगा अब अट्टा में टू पी, ठीक है। या आप यहाँ देख लीजिए, या वाई बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो ये पी से पी खत्म हो जाएगा, और दो से दो तो पी स्क्वायर बोले पी प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, इतना मान बचेगा, ठीक है। तो इस टू पी बचेगा, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए हम लोगों ने क्या यहाँ y का मान निकाल लिया और x का मान यहाँ है, तो ये हमें आंसर प्राप्त हो गया।
प्रोसेस थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन आप लोग इसे एक दो बार रिपीट करके वीडियो को देख देख कर इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 37 के दूसरे नंबर प्रश्न को। कर है एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एन इंटू वाई बराबर एम स्क्वायर माइनस टू एम एन माइनस एन स्क्वायर, और एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जहाँ एम और एन अचर है। अचर मतलब कोई वास्तविक संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले हल कर देते हैं ये वाले समीकरण को, पहले ले लेते हैं। तो ये होगा एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम माइनस एन इंटू वाई बराबर एम का स्क्वायर माइनस टू एम एन माइनस एन स्क्वायर, इसे समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो है, अब देखिए तो यहाँ एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स से गुना कर लेते हैं एक बार वाई से, ठीक है। तो एम प्लस एन में एक बार एक से करेंगे तो एम प्लस एन इंटू एक्स और प्लस वाई सब करेंगे तो एम प्लस एन इंटू वाई हो जाएगा, आइज कल टू एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, इसे समीकरण दो कहेंगे, ठीक है। बहुत आसान ही है, आप यहाँ एक से गुना कर लीजिए, वाई से गुना कर लीजिए और समीकरण दो लिख दीजिए। पहले वाले को तो डायरेक्ट एक लिखना है, ठीक है। अब लिखिए समीकरण एक और दो से। समीकरण एक और दो से, ठीक है। तो समीकरण एक है एम प्लस एन इंटू एक्स और एम माइनस एन इंटू वाई बराबर एम स्क्वायर माइनस टू एम एन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा है एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम प्लस एन इंटू वाई बराबर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि यहाँ गुणांक बराबर है लगभग, ठीक है। तो चिन्ह केवल चेंज कर लेते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में पूरा ऑपरेटर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक बार लिखते हैं एम माइनस एन, यानी कि एम माइनस एन और माइनस ये चिन्ह चेंज होगा तो माइनस एम और प्लस माइनस माइनस एन आई एन टू, दोनों जैसे वाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ होगा एम स्क्वायर माइनस टू एम एन माइनस एन स्क्वायर और ये माइनस एम में गुना होगा तो माइनस एम स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में एम स्क्वायर या माइनस में एन स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस एम कट जाएगा तो बचेगा माइनस टू एन वाई और यहाँ बचेगा माइनस टू एम एन माइनस एन स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो इस दोनों पद में से माइनस टू एन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एम और यहाँ पर प्लस एन क्योंकि माइनस बाहर आ गया और यहाँ वाई को अलग कर लेते हैं और माइनस टू एन को बराबर की से लेते हैं तो माइनस टू एन इधर आएगा तो यह इससे कट जाएगा तो वाई बराबर क्या आएगा एम प्लस एन। ये आसान है क्वेश्चन एम प्लस एन। अब हम लोग वाई का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे, एक में रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं समीकरण एक में वाई बराबर क्या रखना है एम प्लस एन, वाई बराबर एम प्लस एन रखने पर चलिए रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा एम प्लस एन, इसलिए एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम माइनस एन एम माइनस एन आई इंटू क्या हो जाएगा ये वाई की जगह पे हमें रखना है ना जी एम प्लस एन, तो रख देते हैं एम प्लस एन इजकल टू में एम स्क्वायर माइनस टू एम एन माइनस टू एम एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये स्क्वायर देख लीजिएगा, या ये हो जाएगा एम प्लस एन इंटू एक्स और ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले सूत्र पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम 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 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस टू एम एन माइनस एन स्क्वायर, या एम प्लस एन इंटू एक्स
और बराबर किस उस साइड इन दोनों को ले चलते हैं, ठीक है। तो ये पहले से एम स्क्वायर माइनस टू एम एन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, बराबर की साइड आएगा ये एम स्क्वायर, तो प्लस में तो हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर, और ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए कटेगा कुछ, तो ये प्लस में एम स्क्वायर है, ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, ये भी दोनों कट जाएंगे। तो इस तरह से क्या बचा, एम प्लस एन इंटू एक्स बराबर माइनस टू एम एन, या एक्स बराबर माइनस टू एम एन बटे एम प्लस एन। अब तो ये इसमें कोई नहीं कटने वाला है, तो एक्स का मान इतना ही हो जाएगा। तो इस तरह से x का और y का मान हम लोग निकाल लिए, इसका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को। ये प्रश्न दो तरह की बातों को पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि बताइए एक हल है कि नहीं है, यदि एक हल है तो उसका हल निकालें, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड पे जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है उसका हल निकालें। अगर पता चल जाए कि एकमात्र हल है यानी एक और केवल एक हल है तो उसको हल निकालना है, अगर नहीं, अगर एक हल है तो उसको नहीं हल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को तो हल कर चुके हैं, इस टाइप से प्रश्न को हम लोग सबसे पहले समीकरण एक से ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान 10 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 35/2, और सी का मान हो जाएगा -25, क्योंकि 25 बराबर की साइड आएगा। तो समीकरण दो से ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, तो समीकरण दो से हम लोग डी का मान, डी बराबर 4 हो जाएगा, उसके बाद ई बराबर हो जाएगा 7, और एफ बराबर हो जाएगा -10। तो हम लोग एक और मात्र एक हल के शर्त क्या होता है, एक हल के शर्त, तो शर्त होता है ए बटे डी नॉट इक्वल टू बी बटे, ठीक है, ए बटे डी नॉट इक्वल टू बी बटे। तो ए बटे डी को हम लोग क्या करेंगे, 10/4 लिखेंगे और इक्वल टू 35/2 आगुने ये 7 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ए बटे डी इक्वल टू बी बटे मान रखें, और दोनों तरफ बात बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग कटा कर देखते हैं, ये हो जाएगा 7/35, और यहाँ हो गया 5 × 10 और 2 × 4, तो इस तरह से 5/2 इक्वल टू 5/2 आ रहा है, दोनों तरफ बात बराबर आ जा रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक और मात्र एक हल तो नहीं निकालने वाला है, तो कैसा हल होगा उसको देख लेते हैं। तो इसके आगे अगर हम लोग मान रखें जैसे होता है C/F, तो C/F का मान अगर हम लोग रखें, तो C का मान है -25 और F का मान है -10, तो ये 50/25 और 5 × 10, यानी कि ये भी आ गया 5/2। ये तीनों एक और मात्र हल के लिए तीनों बराबर नहीं होता, और ये भी बराबर आ गया, ठीक है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर आ गया तो इसका मतलब हुआ कि अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। जब अनगिनत हल होगा तो इसका हल हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 38 के दूसरे नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अब हम लोग 38 के दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है 3x-5y = 25, इसे समीकरण एक कहेंगे, और 7x+2y = 15, समीकरण दो। तो अब यहाँ एक हल की शर्त क्या होता है उसे लिख लेते हैं, शर्त तो ये होता है a/d ≠ b/e ≠ c/a, तीनों में से कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, तो मान रखते हैं। तो यहाँ समीकरण एक में ये a का मान होता है यानी कि 3/d का मान 7, ≠ -5/2, ≠ 25/15, तो यहाँ पर ये तो नहीं कटने वाला है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 3/7 ≠ -5/2,
नॉट इज इक्वल टू, ये पांच से काटे तो पचास, पच्चीस पांच पंद्रह, पांच बटे तीन। तो आप लोग देख लीजिए, तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका हल क्या होगा, एक और मात्र एक हल होगा। तो लिखेंगे इसलिए इसका इसका एक मात्र हल होगा। अब एक बात है, जब एक मात्र हल होगा, कहा है गया ना कि जिस भी समीकरण युग्म का समीकरण एक मात्र हल है तो उसका हल निकालिए। तो इसका हम लोग हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, ठीक है। तो समीकरण एक है 3x माइनस 5y बराबर 25, और दो है 7x प्लस 2y बराबर 15। तो यहाँ पर ए प्लस दो से ऊपर गुना कर लेंगे या माइनस पाँच से नीचे, दो से गुना करेंगे तो तीन दुना 6x, पाँच दुनी 10y और 25 दुना 50, ठीक है। पाँच से इसमें करेंगे तो 7 पचे 35x, और यहाँ हो जाएगा पाँच दुनी 10y और 15 पचे 75। तो यहाँ देख लीजिए, ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे, और 35 में 6 से करेंगे तो 41x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 7 = 12। तो x बराबर हो जाएगा 125/41। तो एक हल हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब x का मान समीकरण एक में रखेंगे हम लोग समीकरण एक में, तो y का मान निकलेगा 41 से 125 में, तो 4 × 3 = 12 जाएगा और बचेगा शेष 2। तो इस तरह से ये भी x का मान हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण एक ने x बराबर 125/41 रखने पर, तो समीकरण एक यही ना है जी, इसमें हम लोग x की जगह पर 3 × x, x की जगह पर क्या रख देंगे 125/41 माइनस 5y = 25। या ये तो नहीं कटेगा तो गुना कर लेते हैं, 5 × 5 = 15 और 3 × 6 = 7 और 3 × 3 = 41 माइनस 5y = 25, या माइनस 5y = 25, और ये प्लस में तो इधर आकर माइनस में होगा तो 375/41, या माइनस 5y = लघुत्तम तो 41 हो जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा माइनस 375। अब यहाँ लिखेंगे माइनस 5y = घटाएंगे 5 में से 5 = 0 और 12 में से 7 = 5 और यहाँ बचा 9 में से 3 = 6/41, ठीक है। या y = 650/41 अगुने माइनस 5, 5 से करेंगे तो 5 × 5 बचेगा 5 × 3 = 15 और 0, खत्म। यानी कि y बराबर आ गया माइनस 130/41। इसे पूर्णांक में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 × 7/41 माइनस में, ठीक है। ये y का मान आ गया। तो इस तरह से हम लोग x और y का मान प्राप्त कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 38 के तीसरे नंबर प्रश्न को, कर है x 3x + 2y = 1, इसे समीकरण 1 कर लीजिए। 2x + 4y = 2/3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से हम लोग a = 3 और b = 2 और c = -1 लिखेंगे, ठीक है। दूसरे समीकरण से हम लोग d = 2 e = 4/3 और f = हो जाएगा, ये बराबर के इस साइड आएगा तो -2/3। तो इस चूंकि मात्र एक हल के शर्त जो होंगे यह होगा a/d not equal to कर लीजिए b/e not equal to c/f, ये हल होता है, शर्त होता है। तो लिखेंगे मान 3/2 = ये होगा 2/4, ऊपर चला जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -2 और ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। तो अगर माइनस लिख देंगे तो इस तरह से देखिए, लिखेंगे 3/2
इजकल टू यहाँ भी हो गया 3/2 आजकल टू ये माइनस माइनस करता हूँ 3 × 3 और 2 तो देखिए तीनों बराबर आ गया चूंकि ए बटे डी इजकल टू बी बटे ई इजकल टू सी बाई ए तीनों बराबर है तो इसका क्या मतलब होता है अनगिनत हल, अनगिनत हल होगा और अनगिनत हल को क्या कहते हैं हम लोग आश्रित कहते हैं, युग्म का नाम हो जाता है आश्रित। तो जब अनगिनत हल और आश्रित हो गया तो इसमें तो एक्स और वाई का मान नहीं निकालना है, जब एक और केवल एक हल होगा तो उसका निकालना है ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो हम लोग 38 के चौथे नंबर प्रश्न में देखेंगे कड़े एक्स माइनस 3y बराबर 3 ये समीकरण 1 होगा, उसके बाद 3x माइनस 9y बराबर 2 इसे समीकरण 2 कहेंगे और समीकरण 1 से a बराबर क्या होगा जी 1 होगा गुणांक, b बराबर क्या होगा b बराबर माइनस 3 और c बराबर हो जाएगा माइनस 3 ठीक है, और d बराबर समीकरण 2 से ये होगा d यानी 3 और e होगा माइनस 9 और f होगा 2 ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे शर्त रखेंगे, शर्त a बटे डी इजकल टू बी बटे ई इजकल टू सी बाई एफ के अनुसार मान को बैठाएंगे तो ये हो गया 1/3 इजकल टू माइनस 3/-9 इजकल टू माइनस 3/2। तो यहाँ कट सकता है 3×9 और माइनस माइनस कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा, तो 1/3 इजकल टू यहाँ भी हो गया 1/3 और यहाँ हो गया माइनस 3/2। तो इस तरह से हमें शर्त प्राप्त हुआ कि a बटे डी बराबर है b बटे ई के, लेकिन यह बराबर नहीं है। जब यह बराबर नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो इसको हम लोग कहते हैं विरोधी, इसको कहेंगे हम लोग विरोधी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, हम लोग 38 के 38 नंबर प्रश्न के अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं और इसको हल करने चलते हैं। तो 3u-5v = 20 इसे समीकरण 1 कहेंगे, 6u-10v = 40 इसे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से अब तो a का मान आप लोग कंफर्म निकाल लेंगे ये 3 है और b का मान ये होगा -5 और c का मान होगा -20 और d का मान होगा 6, e का मान होगा -10 और f का मान होगा 40 को इधर लाएंगे तो -40। तो शर्त क्यों देख चेक करेंगे, शर्त को पहले ले लेते हैं a बटे डी इजकल टू बी बटे ई इजकल टू सी बाई एफ, अनुमान लगाते हैं। तो मान रखेंगे 3/6 इजकल टू -5/-10 इजकल टू ये -20/-40 कटाएंगे, 3×6 5×10 20×40 तो 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 1/2। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ गया, जब तीनों एक दूसरे के बराबर आ गया तो ये क्या होगा अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा और अनगिनत हल होगा तो इसे आश्रित कहते हैं ना, आश्रित युग्म का नाम हो जाता है आश्रित। जब एक और केवल एक हल नहीं होगा तो इसे हल भी नहीं करेंगे यानी एक्स और वाई का मान भी नहीं निकालेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि हम लोगों ने प्रश्नावली 2KA का आज कम्प्लीटली पार्ट समाप्त कर लिया और सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल किया। तो आज के क्लास ये समाप्त होता है, तो प्लीज़ आप लोग चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।